से आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लूटूथ ड्राइवर के बारे में। यदि आपके पीसी या लैपटॉप में ब्लूटूथ ड्राइवर किसी वजह से अनइंस्टॉल हो गया है या वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसे इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और जिन लोगों को ड्राइवर के बारे में नहीं पता है तो मैं उसे बता देता हूँ कि ड्राइवर करता क्या है। कि यदि आप ऐसे कोई बाहरी डिवाइस को अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो उसे वर्क करने के लिए एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। तो ड्राइवर में कुछ नहीं होता, बस एप्लीकेशन ही होता है जो उसे कनेक्ट करके उसे वर्क करने के लिए कहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लूटूथ ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे वर्क कैसे करा सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश कुमार, आप देख रहे हैं रियांस्टेक। रियांस्टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके पीसी में ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाना है। उसके बाद आपका यदि इस तरह शो नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है लार्ज आइकन पे, और आपका यदि इस तरह कैटेगरी वाइज करके होगा तो यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करके आप लार्ज आइकन कर दें तो आपका इस तरह शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह खुलेगा तो यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे डिवाइस बाय कनेक्शन, यहाँ डिवाइस बाय जो कनेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगेन व्यू में जाके यहाँ पे शो हिडन डिवाइस यहाँ पे आप क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पीसी में जितने भी ड्राइवर रहेंगे सारे ड्राइवर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएँ और यहाँ पे चेक करें कि आपका ब्लूटूथ ड्राइवर यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं। आपके पीसी में जितने भी ड्राइवर हैं सारे ड्राइवर यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे ड्राइवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ें कि आपका ब्लूटूथ ड्राइवर है या नहीं है। तो इससे तो ये पता चल गया कि आप है सो ड्राइवर पता कर सकते हैं कि आपके पीसी में ड्राइवर है या नहीं है ब्लूटूथ का ड्राइवर। उसके बाद यदि नहीं है तो उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। तो उसे कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो आप है तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर ही ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा ब्लूटूथ ड्राइवर विंडोज, उसके बाद आपका जो भी है आप लिखें ब्लूटूथ ड्राइवर विंडोज, जैसे मेरा 7 है तो मैंने लिखा 7। उसके बाद आपको बिट बताना पड़ेगा, आप इस तरह लिखें ब्लूटूथ ड्राइवर विंडोज 7, 8, 10 जो भी है। उसके बाद 32 बिट, 64 बिट, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। और यदि आपको नहीं पता है कि आपका पीसी का बिट कितना है तो वो देखने के लिए मैं बताता हूँ पहले। तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन पे फिर से जाएं, कंट्रोल पैनल पे फिर से जाएं, उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सिस्टम टाइप, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ से बिट पता चल गया कि आपके पीसी का बिट कितना है। उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे वही लिखना है ब्लूटूथ ड्राइवर विंडोज 7, 8, 9, 10 जो भी आपका 32 बिट 64 बिट, इस तरह लिख के आपको है सो इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है डाउनलोड इंटेल। तो आपका प्रोसेसर जो भी रहेगा, यदि इंटेल प्रोसेसर है तो इसी में फर्स्ट वाले लिंक पे ही आप क्लिक कर दें। उसके बाद थोड़ा सा वेट करें और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं लिंक दिए गए हैं, तो आप है सो दूसरे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इंटेल वाला ही डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल वाला आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज 7 32 बिट जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज बता रहा है, मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज बता रहा है कि ये है सो 26 MB का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है और नीचे यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है ये भी विंडोज 7 के लिए है, लेकिन ये 64 बिट वाले के लिए है, तो इसे आपको डाउनलोड नहीं करना है। यदि 64 बिट है तो इसे ही डाउनलोड करना है, 32 बिट है तो ऊपर वाला डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह ऑप्शन शो होगा, तो आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करते हुए। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड में चला गया है, देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए यहाँ पे 3 बिंदु पे जाके 3 डॉट में जाके यहाँ पे डाउनलोड में जाना पड़ेगा आपको।
उसके बाद देख सकते हैं ये तुरंत ही डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे आपको शो कर देगा, देख सकते हैं टुडे में है, अभी तुरंत ही डाउनलोड हो गया है। तो आप यहाँ सो फोल्डर में क्लिक करके वहाँ जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं ऊपर में ही क्लिक करके यहीं से ही इंस्टॉल कर सकते हैं यस करके। तो मैं इंस्टॉल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल करके रखा है, मैं दोबारा इंस्टॉल करूंगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप यदि पीसी चलाते हैं तो आपको इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ऐसे ड्राइवर को इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद यदि आप वहां से इंस्टॉल करने नहीं सक रहे हैं तो आप माई कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव में जो आपका डाउनलोड वाला फोल्डर होगा वहां से भी आप ऐसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूजर्स में मिलेगा आपको, अपने पीसी के नाम में जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का एक फोल्डर दिख जाएगा, तो यहीं पे आपको वो मिल जाएगा जो आपने डाउनलोड किया था ब्लूटूथ ड्राइवर, तो आप यहां से भी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बी प्रेस करें तो सारे बी से जितने भी हैं सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको खोजना पड़ेगा ब्लूटूथ ड्राइवर कहाँ है, और आप नहीं तो वहीं क्रोम ब्राउजर से ही इंस्टॉल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। इस तरह आप है सो ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। उसके बाद आप कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर लेना पड़ेगा ब्लूटूथ का, उसके बाद उसे अपने पीसी में लगा के तभी आप है सो कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से किसी भी डिवाइस को। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यदि आपको है सो ब्लूटूथ से इंटरनेट चलाना है या डेटा शेयरिंग करना है और आप नहीं जानते हैं तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप वहां जाके उस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो इसी तरह आप है सो ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप में ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करना है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसे 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।